हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली व्लॉग में। तो बस मैं आज आपके लिए एक न्यू मेकअप वीडियो लेकर आई, ब्लैक सारी मेकअप, जो कि आप किसी भी पार्टी में, गेट टुगेदर में कर सकते हैं। तो मैं बस आपको वही कम प्रोडक्ट में अच्छा मेकअप, पार्लर से भी अच्छा मेकअप कैसे किया जाए, तो बस मैं आपको वही मेकअप ट्यूटोरियल में बताने के लिए जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले करूँगी आईज़ मेकअप। उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है कंसीलर। आईब्रोज़ मैंने फिल कर ली थी, मैंने कंसीलर लिया है अपनी स्किन टोन के हिसाब से। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। तो डार्क सर्कल होते हैं उन्हें कवर करने में हेल्प करता है, और हमारा जो आई मेकअप होता है वो पैची नहीं होता है। तो बस मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने लगा लिया था ऊपर की साइड और थोड़ा नीचे की साइड। तो बस मैं ब्रश की हेल्प से एक सा कर लूँगी। आईब्रोज़ की शेप से मतलब करते हुए आईब्रोज़ मैंने पहले ही फिल कर ली थी। तो इस तरीके से ही आप भी पहले आईज़ मेकअप ही हमेशा करें। तो देखिए मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से, आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। तो बस देखिए मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और मैंने ले लिया थोड़ा सा सिल्वर और थोड़ा सा ब्राउन कलर, जिसका मुझे बेस बनाना है। तो बस मेरे को मतलब पूरा ब्लैक कलर का नहीं चाहिए, तो बस मैंने थोड़ा सा सिल्वर कलर लिया है और थोड़ा सा लिया है मैंने ब्राउन कलर। तो दोनों का मिक्स एंड मैच किया है। तो मिक्स एंड मैच करके मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, देखिए इसी तरीके से। तो बस मैं दूसरी आईज़ पे भी इसी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। चाहो तो आप मतलब सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके से लगाओगे तो एक अलग ही लुक आता है। तो अब मैंने ले लिया ब्राउन कलर, तो मैं उसको अच्छे से इक्वली स्प्रेड करूँगी। हम जैसे आईज़ का मेकअप करते हैं, पहले बेस बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है, और बिल्कुल एक सा ब्लेंड होता है। कोई कोई जैसे जिस पे नहीं आता, बिगनर्स होते हैं तो सीधा भी लगा लेते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो बस मैंने दोनों आईज़ पे अपना ब्राउन और सिल्वर कलर से बेस बना लिया है, और देखिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सबसे ज़्यादा आईज़ का मेकअप करने में ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमारा जो मेकअप हमने लगाया है वो अच्छे से ब्लेंड हो। तो बस मैंने अब ले लिया था सिल्वर कलर। तो वैसे तो मेरी साड़ी में रेड कलर भी है, लेकिन मेरे को रेड कलर लुक नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ किया है और सिल्वर और ब्लैक। तो ये थोड़ा सा रेड का भी लुक देगा और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देगा। तो बस देखिए मैंने कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए आईज़ पे ब्लैक कलर ले लिया था, ब्लैक आई शेडो लिया है मैंने। तो बस उसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, ताकि वो एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बिल्कुल अलग तरीके से ना दिखाई दे। तो देखिए हमेशा अगर जो हम दूसरी शेड देते हैं, तो हमेशा कॉर्नर से ही स्टार्ट करनी चाहिए, और वैसे भी अगर जो हम जैसे बेस भी बनाते हैं तो हमेशा कॉर्नर से ही स्टार्ट करें। तो देखिए मैंने ब्लैक कलर अच्छे से ले लिया था, ब्लेंड कर लिया था, तो अब मैंने लिया है थोड़ा सा सिल्वर कलर। तो मैं उसी के ऊपर अच्छे से इसको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो आप हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, हाथ से भी अच्छे से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि ब्रश से ही होता है। मैं हाथ से भी कर लेती हूँ और ब्रश से भी कर लेती हूँ। तो बस देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और सबसे ख़ास भूमिका हमारी आईज़ की होती है। हमारे फेस में अच्छे से मेकअप हो जाए हमारी आईज़ का, तो बस हमारे पूरे चेहरे का ही लुक चेंज हो जाता है। तो बस देखिए अब मैं लगाने जा रही हूँ लाइनर। लाइनर लिया है मैंने लैक्मी का 925। तो बस मैं कॉर्नर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम विंग्स बना लेंगे, जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनसे नहीं लगाना आता है, तो पहले हम कॉर्नर स्टार्ट करते हुए विंग्स बना लेंगे, और फिर आउटलाइन करते हुए फिर उसको फिल कर लेंगे। किसी किसी का हाथ कांपता है लाइनर लगाते हुए, जैसे जैसे नहीं लगाना, तो इसी तरीके से लगाए तो बहुत ही अच्छा लग जाता है। और सबसे पहले अगर जो हमारा लिक्विड लाइनर है, तो हम उसे अच्छे से शेक कर लें, ताकि वो अच्छे से एक सा हो जाए, नहीं तो कहीं से लाइट और कहीं से डार्क रहता है। तो इसी तरीके से लिपस्टिक है लिक्विड या फिर लाइनर है, इसको हम अच्छे से शेक करके ही लगाएं, तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो देखिए मैंने कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए अच्छा सा विंग्स बना लिया है, और इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज में भी लगा लूँगी। आज मैंने टेप की हेल्प नहीं ली थी, नहीं तो आईज़ मेकअप करने में अगर जो आप टेप की हेल्प ले लें, सेलो टेप चिपका ली, तो एक बहुत अच्छी शेप आती है, और जिससे मेकअप करना आईज़ का नहीं आता है तो उसको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो बस मैंने नहीं चिपकाया था आज टेप, मैंने अपनी पहली वीडियोस में किया हुआ है ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल, तो आप देख सकते हैं आईज़ का भी, जो बिगनर्स होते हैं वो किस तरीके से आईज़ मेकअप करें। तो बस देखिए मेरे दोनों आईज़ का मेकअप कम्प्लीट हो चुका है, और अब बारी आती है काजल की। तो काजल लिया है मैंने, हिमालय का काजल है ये, वैसे तो वाटरप्रूफ लिखा हुआ है, पर अब तो खैर विंटर्स हैं, तो लेकिन ये जो समर होता है ना, समर में फैलता है, तो
इस वजह से मैंने इसे विंटर के लिए ही रखा हुआ है, विंटर्स में ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मेरे को मोटा काजल का लुक चाहिए, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जिसकी वाटरी आइज़ है तो वाटर लाइन पे सबसे पहले हम लगा लेंगे, फिर आउटर लाइन पे अच्छे से लगा लेंगे। मोटा लगाना है या पतला लगाना है अपने हिसाब से, तो मुझे मोटा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने मोटा लगाया है। देखिए, और कहीं अभी मैंने मेकअप नहीं किया है, केवल आईज़ के मेकअप से ही पूरे चेहरे का लुक चेंज हो जाता है। तो अब मैंने लैक्मी का ही आइकॉनिक मस्कारा है, 9 to 5 है ये भी, तो बस मैं इसको अच्छे से ऊपर की तरफ अपनी आईलैशेस को कर्ल करते हुए 3 कोट लगाऊंगी। हमेशा मस्कारे का 3 कोट ही लगाना चाहिए, और आप चाहें तो फेक आईलैशेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कभी फेक आईलैशेस का यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक जल्दी एक वीडियो दूंगी जिसमें फेक आईलैशेस किस तरीके से लगाई जाती है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो बस मेरा आईज़ का मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो कि आपकी स्किन को एक फ्रेश लुक देगा और शाइनी बनाएगा। और वैसे भी विंटर है, तो हम अच्छे से अगर जो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं अपनी स्किन को, तो हमारे मेकअप अच्छे से स्प्रेड होता है और ड्राई नहीं होता और पैची नहीं होता। तो बस मैंने क्योंकि मॉइस्चराइज़र पहले ही लगाया हुआ था, तो इस वजह से बस मैंने उसके बाद सीधा एलोवेरा जेल लगा लिया था। अब मैंने ले लिया लैक्मी की सीसी क्रीम, क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा फेयर कलर है। आप चाहें तो सीसी क्रीम स्किप करके फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने हाथ की हेल्प से ही अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। देखिए, मेरे को सीसी क्रीम भी मैंने थोड़ी सी लगाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर लगने लगती है, और आप जानते ही हैं पार्लर में मेकअप करते हैं तो कितना ओवर हो जाता है। तो बस इसी वजह से ही मैं फाउंडेशन का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी फेस मतलब स्किन टोन के साथ नहीं जाता है। तो मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। मैंने ले लिया है लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, तो बस धीरे धीरे से ज़्यादा रब ना करते हुए तो मैं अपना मेकअप सेट कर लूँगी। और अगर जो हम अपनी आईज़ का पहले मेकअप कर लेते हैं, तो हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि मतलब जैसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट झड़ता है आईज़ मेकअप के वक्त, तो वो सारा बाद में जब हम क्रीम या फाउंडेशन का यूज़ करते हैं तो वो कवर हो जाता है। और हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी मेकअप प्रोडक्ट आप लगाएं तो वो हमेशा नेक तक यूज़ करें। आपने देखा होगा पार्लर मेकअप में हमेशा नेक अलग ही लगता है। तो बस अब मुझे करनी है फेस कॉन्टोरिंग। तो बस मैंने नोज़ को शार्प दिखाने के लिए, नोज़ को शार्प लुक देने के लिए, तो मैंने ब्राउन्स कलर ले लिया है पैलेट से मैंने। तो इस तरीके से जैसे किसी की नोज़ थोड़ी सी बड़ी होती है तो एक शार्प लुक मिल जाता है, और चिक्स बोन और जैसे हमारे जो लाइंस होती हैं उसको हम एक शेप दे सकते हैं। तो बस देखिए, मैंने कॉन्टोरिंग कर ली थी, और मैं ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लूँगी। आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, अपने हैंड की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो बस लेकिन जिस तरीके से भी करें अच्छे से स्प्रेड होनी चाहिए, क्योंकि अलग से लाइन दिखेंगी तो बहुत ही गंदा और भद्दा लगेगा। हमें खुद को नहीं पता चलता है, लेकिन सामने वाला जब हमारा मतलब फेस देखता है तो उसको बारीकी से हर चीज़ पता चलती मैंने है। ले लिया है तो आईशैडो बस अब पैलेट मुझे से करनी है पिंक और हल्का सा रेड कलर। तो मुझे अब करना है ब्लश। देखिए, कॉन्टोरिंग के बाद एक हमारे चिक्स को अलग ही शेप मिल जाती है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो बस मुझे ज़्यादा डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैं हल्का हल्का सा मैंने पिंक, तो इसी तरीके से सॉफ्ट हैंड से ज़्यादा रब ना करते हुए ब्रश की हेल्प से हम ब्लश लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों अपने चिक्स पे लगा लिया है। अब हमें करना है हाइलाइटर का यूज़, तो मैंने ले लिया हाइलाइटर। और नोज़ पे सबसे पहले हम इस तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर लगा लेंगे। हमारे फेस पे कुछ मतलब फीचर्स होते हैं जिनको हम हाइलाइट करते हैं, तो आईज़ के नीचे, आईब्रोज़ के मतलब आईज़ के ऊपर और आईब्रोज़ के नीचे और चिक्स बॉन्स पे, तो मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया है। तो देखिए कितना प्यारा और शाइनी लग रहा है। तो इस तरीके से आप ग्लॉसी मेकअप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं लगाऊंगी अपने फॉरहेड पे, और थोड़ा सा मैं लगाऊंगी अपने चिन पे। इसी तरीके से आप हाईलाइट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कम प्रोडक्ट में कितना ग्लॉसी और सिंपल मेकअप होके हमारा तैयार है। अभी बस बची है लिपस्टिक लगाने के लिए। तो मैंने ली है डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक ली है। आप चाहें तो पहले ब्रश से आउटलाइन कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है किस तरीके से, जिसे लिपस्टिक ढंग से नहीं लगानी आती, जो बिगनर्स हैं वो पहले ब्रश से आउटलाइन कर सकते हैं, और
मतलब लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम लिक्विड लिपस्टिक लेके ही ब्रश से आउटलाइन कर सकते हैं, फिर अच्छे से लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा पूरा मेकअप लुक, मेरा लिपस्टिक भी लग के तैयार है और पूरा मेकअप लुक मेरा क्रिएट हो चुका है। आई होप आपके लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरे चैनल पर, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बिना मतलब बिना सिंदूर के तो सब अधूरा है, क्योंकि हम मैरिड हैं। तो बस देखिए मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है।